हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय रॉकिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे विंडोज 11 पे कैसे जावा को इंस्टॉल करना है और एक सिंपल हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम को कैसे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे रन करना है। इस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को डाउनलोड करेंगे। तो इसलिए कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना है, देन यूआरएल बार पे हम लोग टाइप करेंगे वीएस कोड डाउनलोड, देन प्रेस एंटर करो। वीएस कोड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है विजुअल स्टूडियो डॉट कॉम, ठीक है, ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये वाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग को चाहिए विंडोज़ के लिए, तो विंडोज़ आइकन के ऊपर क्लिक करो। ओके, देन राइट टॉप कॉर्नर पे देखो डाउनलोड होना स्टार्ट भी हो गया। ओके, डाउनलोड कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ओपन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। ऐसा एक विंडो ओपन होगा, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो कौन सा पाथ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हो, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक पाथ है और दूसरा कोई भी पाथ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो ब्राउज़र आइकन के ऊपर क्लिक करके सेट कर सकते हो। तो हम लोग डिफ़ॉल्ट पाथ पे इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर एडिशनल आइकन डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए तो इसको टिक करो, और यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना है, जो है वही रहने दो, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करो, देन फाइनली इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करना है। नाउ इट इज इंस्टॉलिंग, इंस्टॉल कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो अनटिक कर दो, फिनिश बटन के ऊपर क्लिक करो। तो देखो डेस्कटॉप पे विजुअल स्टूडियो कोड का आइकन यहाँ पर शो कर रहा है। अभी हम लोग को विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन करना है, डबल क्लिक करके ओपन करो, ओपन हो गया। अभी लेफ्ट साइड पे बार पे यहाँ पर देखो एक एक्सटेंशन का आइकन दिख रहा है, ये वाला आइकन एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर हम लोग सर्च बार पे जाके सर्च करेंगे एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो दिख रहा है एक्सटेंशन पैक के ऊपर क्लिक करो, और देखो एक्सटेंशन पैक फॉर जावा जो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक्सटेंशन पैक इसके साथ ही जो 7 पैकेजेस दिख रहा है ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करना है। नाउ इट इज इंस्टॉलिंग, थोड़ा वेट करना है, इंस्टॉल कंप्लीट हो गया। तो देखो यहाँ पर नीचे जितना पैकेजेस था वो भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है, अभी इंस्टॉल दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, लेफ्ट साइड बार पे यहाँ पर देखो एक एक्सप्लोरर का आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर देखो एक सर्च का आइकन दिख रहा है, तो सर्च बार दिख रहा है, उसके नीचे ही नोट बिल्ड टूल्स ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। देन यहाँ पर कोई भी एक लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है, चलो डेस्कटॉप ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन सिलेक्ट द प्रोजेक्ट लोकेशन हम लोग को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया डेस्कटॉप, देन इज सिलेक्ट द प्रोजेक्ट लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, देन यहाँ पर हम लोग को इनपुट जावा प्रोजेक्ट नेम देना है, तो यहाँ पर देते हैं हेलो जावा प्रो दे देते, ठीक है। देन प्रेस एंटर करो, तो देखो एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो मिनिमाइज करोगे तो देखो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर भी क्रिएट हो गया हेलो जावा बोल के, और यहाँ पर देखो फाइल्स एंड फोल्डर भी है। तो इसको क्लोज करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन करो, देख यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो SRC बोल के जो फोल्डर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करो, और ऐप डॉट जावा इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पर एक जावा प्रोग्राम भी यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है, इसको हम लोग रन करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे नीचे देख सकते हो यहाँ पर प्लीज डाउनलोड एंड इंस्टॉल JDK टू कंपाइल योर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को कंपाइल करने के लिए हम लोग को जावा JDK चाहिए, ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट को हम लोग को डाउनलोड करना है, तो ब्राउजर फिर से ओपन करो, न्यू टैब ओपन करो, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओरेकल जावा डाउनलोड, देन प्रेस एंटर करो। फर्स्ट वाला जो लिंक दिख रहा है जावा डाउनलोड, इस लिंक के ऊपर क्लिक करो, और ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है।
तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है JDK 22, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया, चाहिए किसके लिए, विंडोज़ के लिए, विंडोज़ टैब के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हम लोग एक 64 इंस्टॉलर जो है इसको डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखो डाउनलोड का लिंक दिख रहा है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ पर देखो डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो गया, डाउनलोड कंप्लीट हो गया। राइट क्लिक करो, ओपन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। अभी हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, तो मिनिमाइज कर देते हैं सब। तो एक विंडो आएगा येस और नो का, येस बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन फिर से एक विंडो आएगा वेलकम टू इंस्टॉलर, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। इंस्टॉलिंग हो रहा है, इंस्टॉल कंप्लीट हो गया, क्लोज बटन के ऊपर क्लिक कर दो। अभी विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर एक बार ओपन करो, इसको एक बार हम लोग क्लोज करके मतलब एक बार रिस्टार्ट करते हैं। क्लोज करो, देन फिर से विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन करो। ठीक है, तो SRC के अंदर एप डॉट जावा दिख रहा है यहाँ पर। अभी राइट क्लिक करो, रन जावा ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। तो देखो नीचे यहाँ पर डिबगर द जावा, ठीक है, डिबग कर रहा है, तो कंपाइल हो रहा है। ठीक है, तो उसका आउटपुट कहाँ पे दिखेगा, हम लोग का आउटपुट दिखेगा टर्मिनल पे। तो टर्मिनल पे क्लिक करो, न्यू टर्मिनल एक ओपन कर लो। तो यहाँ पर हम लोग को आउटपुट दिखेगा, तो अलाउ चलो कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर गया। ठीक है, तो इसको एक बार मैसेज को एक बार हम लोग चेंज कर देते हैं, वेलकम टू रॉकिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। देन सेव कर लो, फिर से हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रन जावा ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वेलकम टू रॉकिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। ओके, दैट्स इट, टाटा, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।